Hello, welcome, Iqbal International Law Services. This is Iqbal Advocate. Today's topic is evidence of video, CCTV footage या video की क्या कानूनी हैसियत है? अगर हम किसी केस में इसको पेश करते हैं तो उसकी क्या अहमियत है? क्या अहमियत है? वीडियोस बहुत सी चीज़ें हम केसेस आते हैं कहते हैं कि हमारे पास इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है या सीसीटीवी फुटेज इसकी मौजूद है या हमने एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है तो उसकी क्या अहमियत है किसी भी केस में, चाहे वो क्रिमिनल केस है, चाहे वो फैमिली केस है, चाहे वो सिविल केस है, उसमें सीसीटीवी फुटेज की या किसी वीडियो की जो हमने उसकी वीडियो बनाई है किसी भी जुर्म की, किसी भी काम करने की, कोई अगर हम वीडियो बनाते हैं एज ए प्रूफ बनाते हैं और हम उसको कोर्ट में पेश करना चाहते हैं तो कोर्ट उसकी क्या हैसियत होगी इस तरह की वीडियो की या इस तरह की सीसीटीवी कोई फुटेज हमने हासिल की है, कहीं सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और उसमें रिकॉर्ड हो गई है या फिर हमने खुद अपने कैमरे से रिकॉर्ड की है, हमने किसी अपने मोबाइल से रिकॉर्ड की है और हम चाहते हैं कि ये इस प्रूफ है उस जुर्म की जो इस फला आदमी ने ये जुर्म किया है तो इसकी क्या अहमियत है लीगली तौर पर। देखिए, खाली सीसीटीवी फुटेज या एक वीडियो दे देना काफ़ी नहीं है किसी भी चीज़ को साबित करने के लिए। हम कहें कि देखें ये हम वीडियो दे रहे हैं, इससे बड़ा और क्या प्रूफ है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, खाली एक वीडियो दे देना उसका कोई वो नहीं है, वो सफिशेंट नहीं है, काफ़ी सबूत नहीं है किसी के खिलाफ उसको सजा देने के लिए या कोई केस अपने हक में डिग्री करने के लिए, चाहे वो फैमिली केस है या फिर सिविल केस है, वो उस वो सफिशेंट नहीं है। देखिए, कोर्ट उन पर इनासार नहीं कर सकते क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं, ये उसमें चेंजिंग हो सकती है, इसमें अमेंड हो सकती है, इसमें ये सीसीटीवी फुटेज, ये वीडियो, ये इसमें अमेंडमेंट हो सकती है, इसमें चेंजिंग हो सकती है और इसमें कमी बेशी हो सकती है, कोई इसमें इजाफा कर सकता है, कम बना सकता है, जेली हो सकती है, बहुत सी सूरतें हो सकती हैं, तो इस सूरत में ये काफ़ी नहीं है किसी भी केस चीज़ को साबित करने के लिए। और इसको सही साबित करने के लिए ये तरीक़ेकार होता है, जो जिसने इसके वीडियो बनाई है, जो इसका खालिक है, जो इसने इसको बनाया है, जिसने इसको रिकॉर्ड किया है इस सीसीटीवी फुटेज को या फिर इस कैमरे से जो उसने बनाई है या मोबाइल से बनाई है, जो इसका खालिक है, जो इसका बनाने वाला है, जब तक वो कोर्ट में पेश नहीं होगा, उसका बयान नहीं होगा, वो क्रॉस के प्रोसेस से नहीं गुजरेगा, एविडेंस के प्रोसेस से नहीं गुजरेगा, उस वक्त तक उस सीसीटीवी की या उस वीडियो की वो हैसियत नहीं होगी एज ए प्रूफ के तौर पर, जैसे हम समझ रहे थे कि इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है कि हमारे पास तो वीडियो मौजूद है, हमारे पास तो सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, तो ये बहुत बड़ा सबक। कोर्टें इस पर इनासार नहीं करती, कोर्टें ये कहती हैं कि इसका बनाने वाला, इसका जो मेकर है, जो इसका फाउंडर है, वो कोर्ट में अपेयर होगा, वो अपना बयान देगा। जब तक वो अपेयर नहीं होता, जब तक वो बयान नहीं देता, उस वक्त तक उस वीडियो की या उस सीसीटीवी फुटेज की कोर्ट उसको नहीं मानेगी, उसकी हैसियत को कोर्ट नहीं मानेगी। इसलिए उसको एग्जामिन करना कोर्ट में वो बहुत ज़रूरी है, वो जब तक एग्जामिन नहीं होगा उस वक्त तक वो फुटेज, वो वीडियो नहीं मानी जाएगी। अब इसके लिए 2016 हम आपको रूलिंग दे रहे हैं, 2016 सुप्रीम कोर्ट का ये आर्डर था, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे केस में डिसाइड किया, 2016 SCMR पेज है 2084, 2016 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान SCMR पेज है 2084, इसमें यही कहा गया। देखिए, कानूनी शहादत है अंदर सेक्शन 164 के तहत, जब वो एग्जामिन होगा तो उस सूरत में ये पता चलेगा कि इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी शो करने के लिए उसका जो है वो एग्जामिन होना ज़रूरी है। ये तो हमारा आज का टॉपिक, इसके साथ इजाज़त दीजिए, हैव अ नाइस डे, बाय।